दर्शकों 121 स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इस्लाह मुआशरा के महाराष्ट्र से रिजवानुर रहमान खान साहब। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि जमात इस्लामी ने जो आज इज्तिमा ऑर्गेनाइज किया है नागपुर में, ज़िला इज्तिमा, ये इसके मकसद क्या है और जो तमाम इज्तिमा पूरे ऑल इंडिया ऑल महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, किस प्रॉब्लम्स के तहत ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। रिजवानुर रहमान खान साहब, आपका स्वागत है 121 स्कूप में। आप ये बताइए कि आज जो इज्तिमा ऑर्गेनाइज किया गया है ये किन मकासिद के तहत है? जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि जमात इस्लामी इसको कायम हुए 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। जमात इस्लामी ने पहले दिन से जो ध्येय अपनाया है वो ये है कि इस धरती पर जितने लोग रहते हैं वो मालिक ने जो जीवन पद्धति दी है उस जीवन पद्धति के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करें, अपनी ज़िंदगी बिताएं। लेकिन हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी बीमारियां, ऐसी बहुत सारे अमराज पैदा हो गए हैं कि जिसके कारण हम अपने समाज को प्रगति की ओर लेकर के जा नहीं पा रहे हैं। समाज की उन्नति का जो मिशन हमारे सामने है उस मिशन के हिसाब से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि हमारा समाज टूट रहा है। जो फैमिलीज हैं, फैमिलीज में दरार पैदा हो रही है और हस्बैंड और वाइफ के बीच में जैसा कुछ मोहब्बत है, जैसा प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम, वो मोहब्बत, वो उनसियत ख़त्म हो रही है और उसके कारण से हमारा ये समाज प्रगति की ओर जा नहीं पा रहा है। ठीक है, हमने भौतिक रूप से बहुत सारी प्रगति की, तो जमात इस्लामी का ध्येय यही है कि हम समाज को सुधार करके उसके असल मिशन की ओर पूरे समाज को लेकर के जाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए जमात ने अभी जो प्लान बनाया है उस प्लान के हिसाब से हमने 18 नवंबर से ये मतलब तकरीबन 3 महीने का हमारा अभियान है, समाज सुधार अभियान। उस अभियान के अंतर्गत हमने ये सोचा है कि 3 महीने में हम पूरे ज़िला लेवल पर 29 इज्तिमा हम तय करेंगे पूरे महाराष्ट्र के लेवल पर। स्टेट लेवल पर हमने 29 अधिवेशन का हमने आयोजन किया है। आज का हमारा जो नागपुर का अधिवेशन है ये 18 नंबर का अधिवेशन है। इसके पहले 17 अधिवेशन हो चुके हैं और इन सभी अधिवेशन में हमने मूल रूप से जो बात रखी है वो ये कि साहब जो जीवन पद्धति मालिक ने दी है उसके हिसाब से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहिए। कारण ये है कि अगर हम ये काम करेंगे तो इस दुनिया में कि जो हमको ज़िंदगी मिली है, जो जीवन मिला है, यहाँ भी हम कामयाब हो सकते हैं और इस दुनिया के बाद, इस ज़िंदगी के बाद जो हमारी ज़िंदगी है वहाँ भी हम अपने मालिक को खुश कर पाएंगे। जी, समाज के अंदर या देश के युवाओं में आप किस तरह का बिगाड़ देखते हैं? बिगाड़ की बात अगर की जाए तो ये बहुत लंबी फहरिस्त है। जैसे हम देखते हैं कि साहब समाज अपना जो उसका मूल सिद्धांत था उस मूल सिद्धांत को भूल करके, जो संस्कार थे उन संस्कारों को भूल करके हम देखते हैं कि भौतिकतावाद में और वेस्टर्नाइजेशन में हमारे जो नई नस्ल है, हमारी जो नई जनरेशन है वो इतनी बुरी तरह से लतपत है कि अब उनको अपने पिता और अपनी माताओं का कोई लिहाज नहीं है, अपने बड़ों का कोई लिहाज नहीं है, छोटों का कोई लिहाज नहीं है। और जो संस्कार और जो संस्कृति सिखाई गई है, बल्कि अगर आप इस्लामी संस्कृति को छोड़िए, जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति की अब उनको कोई भनक नहीं है, कोई उन्हें मालूम नहीं है कि साहब हमारी संस्कृति क्या थी। हम ये चाहते हैं कि उस संस्कृति का उनको आभास भी कराएं, उनको बताएं और उनको आगे लेकर के जाएं। इस इस्तेमात में आपके साथ कौन लोग शामिल हो रहे हैं? इस इस्तेमात में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी समाज के और वर्गों के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो थिंकर्स हैं, जो सोच रहे हैं और जो बड़े बड़े समाज सुधारक हैं जिन्होंने बरसों से काम किया है, हम उन सभी को इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत आनंद और बड़ी खुशी की ये बात है कि हमको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। समाज के सभी वर्गों से लोग हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं, हमारे इनविटेशन को मान रहे हैं और आकर के हमारे निवेदन के ऊपर में वो स्पीचेस भी दे रहे हैं और समाज सुधार के इस आह्वान में वो बराबर हमारे कंधे से कंधा लगा करके हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत खुशी और बहुत आनंद की बात है। ये इसके बाद अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे? अभी जैसे आज नागपुर का इस्तेमाल है, इसके बाद आप जो नेक्स्ट हफ्ता जो आने वाला है वो वर्धा में होने वाला है, फिर उसके बाद में जालना है पूना है, थाना है, आज थाना में भी इज्तिमा हो रहा है,
तो इस तरह से आज के दिन जो है हमारे ये 19 अधिवेशन वो कंप्लीट हो जाएंगे। गढ़चिरौली में भी इज्तिमा हो रहा है, गढ़चिरौली और चंद्रपुर का। तो इस तरह से अभी जो बाकी के 10 और डिस्ट्रिक्ट है, उन 10 डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह के अधिवेशन, बड़े बड़े अधिवेशन होने हैं। हम मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक जिस उद्देश्य को, ध्येय को लेकर के हम काम कर रहे हैं उसमें हमें तो कामयाबी अता फरमा दे। जी बहुत बहुत शुक्रिया 121 स्कूप से बातचीत करने का। दर्शकों आप देखते रहिए 121 स्कूप, किसी खास शख्सियत के साथ फिर आपके सामने हाजिर होते हैं।